वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भुवनेश्वर शहर को देखने वाले हैं, सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे हैं। आपका स्वागत है यहाँ पर और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये व्यू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बाहर का है। सामने ये देखिए कुछ पार्क जैसा बना हुआ है और ये सामने का पूरा व्यू है। इधर ये ऑटो खड़े हैं, ऑटो की पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग है साइड में, और लोग अपना अपना सामान लेके अपने अपना घर की तरफ निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं रेलवे स्टेशन के, और ये भैया यहाँ ककड़ी बेच रहा है, ये पुचके बेच रहा है। हमें इनसे कोई अभी नहीं है, अभी देखते हैं होटल हमें कहाँ एक अच्छा होटल मिल सकता है और उसके बाद आगे का सिटी घूमने का देखेंगे। तो ये यहाँ नारियल पानी आप पी सकते हैं। और ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये राजमहल का सिग्नल या राजमहल का चौराया, और ये राजमहल का एरिया जो स्टेशन से यहाँ स्टेशन है थोड़ा ही आगे, यहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर पकड़ लें आप, 800 मीटर या 1 किलोमीटर यहाँ से होगा स्टेशन इसी रोड से। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं राजमहल के इस चौराहे पे और आगे देखते हैं। आइए, और ये यहाँ चाट की दुकानें, बहुत सारे स्टॉल इसी राजमहल स्क्वायर पे, अलग अलग तरह की स्टॉल, अलग अलग तरह के खाने आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये फलूदा, और ये यहाँ चलता हुआ रोड, पहले मैं सैंडविच खा लेता हूँ। यहाँ से हमने सैंडविच खा लिया, 70 रुपये का लाइन लगा के सैंडविच यहाँ मिलता है। बहुत सारी भीड़, और हर दुकान पे आप देखें, हर ही स्टॉल पे अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोग बाहर खाने के लिए आते हैं। तो एक अलग ही ये इस रोड पे नज़ारा है, अलग अलग तरह के सैंडविच, अलग अलग तरह का खाना, और ये देखिए अलग अलग तरह की नमकीन लगा के अलग कलरफुल बना रखा है इसके पूरे को। और ये यहाँ सैंडविच, ये सैंडविच वाला ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये पूरा यहाँ का व्यू देखा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।